हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये जो व्लॉग है ना, इसमें 3-4 दिन के अलग अलग क्लिप्स है और इसके बाद अब आपको रिसेंट व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी मैं खा रही हूँ स्वीट पोटैटो शकरकंदी। ये मुझे बहुत पसंद है बॉईल करके खाना। कुछ लोग इसे सेक कर भी खाते हैं, लेकिन मैं इसे बॉईल करके खाना पसंद करती हूँ। और अब वीर की पूरी नज़र होती है कि मम्मा क्या खा रही हैं और मुझे नहीं मिल रहा है खाने के लिए। तो अभी वीर सोया हुआ है, तब तक मैंने सोचा कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। तो आज है तुलसी विवाह, तो आज मैं बना रही हूँ पकोड़े और पुलाव। और ये उसके लिए मैंने सारी कटिंग चॉपिंग कर ली है। और ये मैंने गिलकी चुली है, इसके मैं पकोड़े बनाने वाली हूँ, क्योंकि दशहरे पे हमारे यहाँ पर खाते हैं गिलकी के पकोड़े, और इस बार मैं नहीं खा पाई थी, तो इसलिए मेरा आज बहुत मन था, तो फिर मैं इसे पकोड़ों में ऐड करूँगी। और सब मिक्स चीज़ें, कुछ चीज़ें पुलाव के लिए और कुछ पकौड़ों के लिए हैं। तो ये है मेरा जीरा अजवाइन का पानी जो मैं अभी भी पीती हूँ, और मैं इसमें तुलसी के पत्ते भी ऐड कर लेती हूँ। और सबसे पहले मैं बना रही हूँ पुलाव, उसके बाद मैं पकोड़े की तैयारी करूँगी। अजवाइन का पानी है मैंने रख दिया, इसमें मैंने थोड़े से तुलसी के पत्ते भी डाल दिए हैं। और यहाँ मेरा पुलाव का मसाला पूरा तैयार हो चुका है। इसे मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। मेरी किसी फ्रेंड ने बताया था कि ऐसे मसाला बना करके रख दिया, और जब खाने से आधा घंटा पहले से पानी चावल डाल के और फिर उसे बना लिया, तो ये मैंने मसाला बना कर रख लिया है। और ये हमारा पकौड़े का पेस्ट, ये भी मैंने घोल तैयार करके रख दिया है। और अब जब हमें खाना होगा ना, उस टाइम पर मैं बना दूंगी सब कुछ। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों को कुछ शॉपिंग करनी थी, तो हम लोग न्यू मार्केट गए थे। जो लोग भोपाल में रहते हैं उन्हें तो अच्छे से पता होगा न्यू मार्केट के बारे में, तो हम लोग वहाँ गए थे। और पहली बार हम लोग वीर को स्ट्रीट शॉपिंग पर लेकर गए थे, और वो इतना एक्साइटेड था, सब जगह घूम घूम कर देख रहा था लोगों को। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे इंडियन कॉफ़ी हाउस, वहाँ पर हम लोगों ने डोसा खाया। मेरे हस्बैंड ने बताया था कि वहाँ पर बहुत अच्छा डोसा मिलता है, तो हम लोग वहाँ पर डोसा खाने गए थे। और यहाँ पर वीर को पता चल गया था, मतलब दिख रहा था उसे कि मम्मा अपने हाथों से कुछ खा रही है, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और छोड़ ही नहीं रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मम्मा के हाथ से मुझे भी खाने को मिल जाएगा। तो अब बस ऐसे ही चलता रहता है, जब भी वीर के साथ कुछ खाओ ना, तो या तो फिर वो कंटिन्यूसली आपको देखता रहेगा या तो फिर खाने ही नहीं देगा। तो ऐसे चलता रहता है, मस्ती करता रहता है वीर।
उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग कांतारा मूवी देखने के लिए गए थे और बहुत अच्छी मूवी लगी हम लोगों को। और आफ्टर डिलीवरी ये मेरी फर्स्ट मूवी थी और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं पूरी मूवी देख पाऊँगी। मैं यही सोच कर गई थी कि आधी मूवी में उठकर घर आना पड़ेगा, लेकिन वीर ने बिल्कुल परेशान नहीं किया, वो सो गया था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सोया हुआ ही था, लेकिन बस थोड़ी सी देर वो जगा था, उसमें भी मैंने उसके कानों को अच्छे से दबा कर रखा हुआ था ताकि बहुत ज़्यादा साउंड उसे ना सुनना पड़े। और मैंने उसके कानों को पूरा टाइम अच्छे से प्रेस करके रखा हुआ था, दबा कर रखा हुआ था। और मैंने उसे उसके कान में कॉटन भी लगाया हुआ था, उसे कैप भी पहनाई हुई थी, उसके बाद मैंने हाथों से भी प्रेस करके रखा हुआ था ताकि उसके कानों की पूरी सेफ्टी रहे, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये क्लिप तब की है जब वीर सिर्फ राइट हैंड की साइड ही रोल करता था, उसे लेफ्ट हैंड साइड में कंफर्टेबल नहीं था, वो नहीं कर पाता था। तो वो पूरी कोशिश कर रहा है रोल करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, पूरा होने के बाद भी कहीं ना कहीं अटक जा रहा था। अब तो वो बहुत अच्छे से दोनों साइड से रोल कर लेता है, लेकिन ये क्लिप जब ली थी ना मैंने, तब उस टाइम पर वो सिर्फ राइट हैंड साइड ही रोल करता था। और ये मैंने वीर के सोते हुए क्लिप ली है, मुझे सोते हुए बहुत क्यूट लगता है वो। और ये उसने अपने नाखूनों से अच्छे से अपने आप को हर्ट किया है और वो बहुत ज़्यादा कर लेता है अभी भी, लेकिन अब मैं उसे इतना ज़्यादा मिटन्स पहनाती नहीं हूँ तो उसे अब उसके गालों पर निशान हमेशा दिखते ही रहते हैं। और ये वीर की मस्ती वाला टाइम है, वो इतनी ज़्यादा मस्ती करता है अब, मतलब अब वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। और अच्छा है, धीरे धीरे वो अच्छे से बढ़ रहा है और उसके माइलस्टोन्स भी वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करता जा रहा है, और इवन टाइम से थोड़ा पहले ही कर रहा है, और बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ हो रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं एक फ्रेश व्लॉग में। बाय बाय।